हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटो ग्रिड इंडिया। मेरा नाम है सचिन और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा 4825C के बारे में। सॉरी, ये 4825C नहीं है, ये है टाटा 4830C। जी हाँ, टाटा ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, इसकी पावर है उसको भी इंक्रीज किया है। तो इस वीडियो के अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी जो प्राइस है उसके बारे में बात करेंगे, प्लस इसका कितना, इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं टाटा ने, इसके अंदर है ना जो टायर्स हैं उसमें भी चेंज किया है, जिससे क्या है कि जो इसकी फ्यूल इकोनॉमी है ना वो भी थोड़ी इंक्रीज होती है। तो वीडियो के अंदर कंप्लीट ही डिटेल्स के बारे में बात करने वाला है। और अगर आपको हमारी तरह ट्रक पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किसी और ट्रक की वीडियो देखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं कि फ्रंट में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं आपको और फ्रंट कैसा मिलता है। तो यहाँ पे आप फ्रंट देख सकते हैं ना, ये पूरा ही स्टील वाला वेरिएंट है इसका। ये फाइबर वाला वेरिएंट भी आता है लेकिन वो मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगता है। मेरे को जो ये इसका टाटा का भाई ये सिग्नेचर है ना, ये जो पहले से चलता आ रहा है, ये जो स्टील वाला वेरिएंट है वो बेटर लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको 4830C की बैजिंग मिलती है और ये 48 का मतलब है कि ये लगभग 48,000 किलो ग्रॉस व्हीकल वेट ये पास करता है और 30 मतलब 300 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। पावर इंजन वगैरह उसकी बात थोड़ी आगे करेंगे। प्लस यहाँ पे आते हैं ना तो भाई बहुत ही तगड़ा, बहुत ही सॉलिड है ना यहाँ पे बम्पर मिलता है। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं इस व्हीकल के अंदर, अगर आप सेफ्टी वाइज देखें ना तो टाटा का मजबूत भाई भर भर के दमदार यहाँ पे आपको है ना लोहा मिलता है टाटा का। और जो दूसरी चीज मिलती है ना वो ABS मिलती है, उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई सेफ्टी सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो थ्रो है इनका वो काफी अच्छा है। बाकी ये काउल मॉडल है तो आपको पता है इसकी बॉडी है ना बाहर से बनती है तो यहाँ पे तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस यहाँ पे भी नीचे भी और ऊपर भी बहुत जगह लाइट्स लग जाती है तो लाइट वाइज तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। नीचे भी एक बम्पर दिया हुआ है इसका, जो भाई ये है ना बहुत ही, दोनों बम्पर है ना बहुत ही तगड़े सॉलिड हैं। तो जो कह सकते हैं कि आप एक बार अगर कोई इंपैक्ट वगैरह होता है तो उसका अच्छा खासा झेल जाते हैं। प्लस ड्राइवर है ना, अगर ये केबिन बनने के बाद क्या होता है कि इनके ऊपर खड़ा होके ईजिली भाई खड़ा होके एक क्या यहाँ पे चार लोग खड़े होके ईजिली है ना इसकी जो विंडशील्ड वगैरह होती है ना उसको साफ कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसके अंदर आपको काफ़ी शानदार मिलती है। कच्चे पक्के रास्तों में भाई बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, स्पीड ब्रेकर होंगे उनमें भी निकल जाएगा इजीली, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड भी। अब इसके साइड में चलते हैं और साइड में देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो भाई ये साइड देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का मिलता है। ये काउल है, ये पूरा ही एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम इसका जो हुलिया है ना वो पूरा ही बदल जाएगा जैसे कि आप जानते हैं। अब इसके टायर्स पे आ जाता है क्योंकि ये भी चेंज हुए हैं। ये अब यहाँ पे है ना कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल सेवर टेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखी हुई है और टाटा कहता है कि भाई इससे जो एवरेज मिलेगी ना आपको वो काफ़ी अच्छी एवरेज मिलेगी इन टायर से। और ये जो कंपनी के टायर्स हैं ना भाई वो JK टायर के टायर्स हैं यहाँ पे, और जो साइज़ है ना वो 295/90R20 के, वही 20 इंची के आपको यहाँ पे टायर मिलते हैं। ऑल स्टील रेडियल टायर्स मिलते हैं इसके अंदर आपको। और भाई यहाँ पे बहुत ही जगह बैजिंग डाली हुई है, यहाँ पे भी ये डाला हुआ है एक्स्ट्रा फ्यूल सेवर XF वगैरह डाला हुआ है। बाकी तो एक बार इससे कस्टमर से हैं उनसे फीडबैक लेंगे वगैरह पता चलेगा कि भाई कैसा है, बट आई गेस टाटा ने अगर इतनी ज़्यादा यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह सब चीज़ की हुई है और यहाँ पे ऐसा है तो डेफिनेटली ये फ्यूल तो आपको सेव करके देंगे और माइलेज काफ़ी अच्छी देने वाला है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट के अंदर आपको है ना पैराबॉलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, तो आपके जो केबिन के अंदर जो गड्ढे वगैरह है ना वो फील नहीं होंगे इतने, प्लस जो स्टेबिलिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। और एक बार केबिन के अंदर चलते हैं क्योंकि वहाँ पे भी अच्छे खासे यहाँ पे टाटा ने चेंजेस किए हैं।
तो भाई केबिन में है ना जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है ना वो तो ये स्टेयरिंग व्हील का हुआ है भाई। मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में बोलता था कि जो टाटा ने है ना जो स्टेयरिंग व्हील है उसको चेंज करना चाहिए, जैसे जैसे उनके जो सिग्ना सीरीज में आता है ना ये नया वाला स्टेयरिंग व्हील वो काउल में देना चाहिए, और टाटा ने भाई फाइनली सुन ली है। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं काउल वगैरह की, उसमें मैंने बोला टाटा को स्टेयरिंग व्हील चेंज करना चाहिए, तो भाई सुन लिया टाटा ने फाइनली यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील चेंज कर दिया है भाई। बहुत ही तगड़ा लगता है ये स्टेयरिंग व्हील, लिटरली मेरे को पर्सनली बहुत तगड़ा लगता है। जो टाटा की कार्स आती है ना हैरियर वगैरह सफारी वगैरह भाई, उसमें भी कुछ सिमिलर इसी टाइप का, एग्जैक्टली सेम ही बोल रहा, सिमिलर इसी टाइप का स्टेयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन उसके अंदर ये वाला पार्ट है ना वो बहुत लंबा मिलता है, इसके अंदर छोटा मिलता है, तो जो इसकी डिजाइन है ना उनसे बेटर निकल के आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी आपको सेम ही मिलता है, सारे ही फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर मिलता है, यहाँ टेम्परेचर मीटर मिलता है, यहाँ आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ फ्यूल गॉज मिलता है, और यहाँ बीच में एमआईडी मिलता है। भाई यहाँ पे है ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो मिट्टी वगैरह है उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर देना। जो एमआईडी है ना उसके अंदर आपको सारी ही चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ी चली है, कितना इसने मतलब ट्रिप ए कितनी है, ट्रिप बी कितनी है, कितनी एवरेज दे रही है। लगभग ये अब ये बिल्कुल ऐसे नॉर्मल है तो लगभग 4.8 की एवरेज दिखा रहा है यहाँ पे, कौन से मोड में है, मोड में, कौन से गियर में, न्यूट्रल में, और एयर प्रेशर वगैरह कितना है, बैटरी कितनी है, टाइम कितना हुआ है, सारी ही चीज यहां पे दिखाएगा ये। उसके बाद इस साइड आ जाते हैं, यहां पे आपको ये कंट्रोल्स मिलते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे कंट्रोल मिलते हैं, और एक भाई कमाल की चीज ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिलता है भाई, बहुत ही तगड़ी चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, आप क्रूज कंट्रोल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर आपको लाइट्स वगैरह के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे इस साइड आपको लाइट्स वगैरह के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ब्लोअर वगैरह के कंट्रोल इस साइड मिलते हैं आपको, और यहाँ पे आ जाते हो आपको यहाँ पे लाइट मोड हैवी बटन्स मिलते हैं, ऑन ऑफ के बटन मिलते हैं, और यहाँ पे हज़ार लाइट हेल्प, और जो आपका जो लिफ्ट एक्सेल है उसको अप करने के डाउन करने के बाकी सारे ही बटन्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। उसके बाद ये ब्लोअर है यहाँ पे छुपाया हुआ है, और यहाँ गियर नॉब लीवर मिलता है। भाई एक और प्रॉब्लम है टाटा यार, अपना जो सिग्ना सीरीज़ है और जो काउल सीरीज़ है ना उसमें से भी यार प्लीज़ है ना ये गियर नॉब लीवर है ना इसको चेंज कर दो यार, थोड़ा सा कुछ मतलब प्राइमा सीरीज़ का जैसा कुछ बढ़िया सा, मतलब इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी शानदार, काफ़ी सॉलिड, काफ़ी रोबस्ट फील होता है, बट अगर आप कर सकते हो ना तो ये भी गियर नॉब लीवर भी है जो इसका वो चेंज कर देना। अब पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। तो भाई इसके अंदर आपको जो पीछे है ना ये दोनों एक्सल दिख रहे हैं ना, ये ट्विन स्टेरेबल एक्सल दिख रहे हैं, मतलब अगर आप स्टीयरिंग घुमाएंगे ना एक साइड तो भाई ये दोनों ही एक्सल रोटेट होंगे, क्योंकि भाई ट्रक है ना काफी बड़ा है, तो इससे ना जो ट्रक को है ना घूमने में काफी हेल्प मिलती है। अब इसके इंजन की बात कर लेते हैं, भाई इसके अंदर आपको 6700 सीसी का 6 सिलेंडर इंजन मिलता है जो अराउंड 300 हॉर्स पावर और 1100 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। भाई पहले है ना जो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था ना ये वो 250 हॉर्स पावर करता था, लेकिन अब ये 300 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और भाई पावर है ना लिटरली ना लाजवाब हो गई है। अब इसके फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको जो फ्यूल टैंक मिलता है ना भाई वो 365 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और सबसे बढ़िया बात भाई जो फ्यूल टैंक की प्लेसमेंट है ना वो काफ़ी शानदार जगह है ना, और इसके अंदर आपको एज अ ऑप्शन ना आप 300 लीटर प्लस 200 लीटर का भी फ्यूल टैंक ले सकते हैं, तो वो टोटल 500 लीटर का हो जाएगा भाई, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी साइड अपोजिट साइड में आपको दिखाऊंगा इसके अंदर एडब्लू टैंक लगा हुआ है, वो भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे पीछे आते हैं ना तो यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिफ्ट एक्सल मिलता है आपको, और भाई ये बहुत ही तगड़ा लिफ्ट एक्सल मिलता है, इसकी जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी है। कुछ कुछ व्हीकल्स में है ना जैसे बाकी ब्रांड्स के में शिकायत भी आई थी लिफ्ट एक्सल को लेकर, लेकिन भाई इसका तो है ना भाई शानदार है, बहुत अच्छा है, कस्टमर्स वगैरह को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जितना मैंने कस्टमर से बात की है। उसके बाद पीछे आते हैं ना तो पीछे यहाँ पे आपको है ना सेमी इलेप्टिकल सस्पेंशन मिलता है, और जो सस्पेंशन है ना वो काफ़ी अच्छा है भाई, है ना आप इजीली अच्छा खासा है ना यहाँ पे लोड ले जा सकते हो, और यहाँ पे है ना आपको बेल्ट क्रैंक मैकेनिज्म भी मिलता है, जिससे क्या होता है कि है ना जो बैलेंसिंग है ना वो भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि आपको पता है भाई रोड्स तो है ना कैसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं, और ट्रक है ना भाई कहीं पर भी चला जाता है ना, कोई टेढ़ा रोड है, कोई मेढ़ा रोड है, और कोई टूटा फूटा रोड है, तो भाई ये जो बेल्ट क्रैंक मैकेनिज्म सिस्टम है ना भाई ये बहुत ही हेल्प करता है व्हीकल की है ना स्टेबिलिटी बनाने में। उसके बाद फ्रेम की बात कर लेना तो भाई फ्रेम भी आपको काफी सॉलिड मिलता है, बहुत ही तगड़ा फ्रेम मिलता है, क्वालिटी अच्छी है फ्रेम की, प्लस लेदर टाइप फ्रेम मिलता है, तो इसके ऊपर है ना सामान वगैरह आप अच्छा खासा यहाँ पे ले जा सकते हैं। अब पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं क्या क्या चीजें मिलती है आपको। तो भाई पीछे से कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ पे, पीछे आपको है ना नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल बंपर मिलता है, और उसके बाद है ना यहाँ पे 1 2 3 4 पूरे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, प्लस जो लाइट मिलती है ना भाई सारे ही टाटा के व्हीकल्स में लाइट शानदार मिलती है, एलईडी लाइट्स मिलती है, और जो इनका थ्रो है ना वो काफी शानदार है, दूर तक दिखता है बिल्कुल भाई, बहुत ही तगड़ी चीज मिलती है।
और भाई जो स्पेयर व्हील का प्लेसमेंट है और माउंटिंग में ना, वो भी काफ़ी अच्छी जगह है। कई व्हीकल्स में ना बहुत ही गलत जगह होती है, बट टाटा ने बहुत ही अच्छी जगह प्लेसमेंट की हुई है। इजीली यहाँ से निकल जाता है और इजीली वापस यहाँ पे लग जाता है। अब इसके एडब्लू टैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो एडब्लू टैंक मिलता है ना, वो 60 लीटर का एडब्लू टैंक मिलता है। तो भाई बार बार है ना आपको रिफ़िल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं आती। और जो बैटरी मिलती है ना, यहाँ पे आपको 2 बैटरीज मिलती है, और जो बैटरी है ना उनके ऊपर पूरा प्रॉपर ही कवरिंग की हुई है। प्लस यहाँ पे याद रखते हैं बोल्ट वगैरह सब प्रॉपर अच्छी तरीके से लगाए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इसकी जो सारी स्पेसिफिकेशन है प्लस चेंजेस है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी अगर कोई चीज़ जाननी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप इस व्हीकल को खरीदना चाहते हैं ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मत्स्य ऑटोमोबाइल के नंबर दे दिया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये व्हीकल हमको प्रोवाइड करवाया है। बट अगर आप सिर्फ राजस्थान में लेना चाहते हैं तभी उनसे कॉन्टैक्ट करना। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।